नमस्कार। कंसिस्टेंसी, रेगुलर रहना, डिसिप्लिन रहना, हमारे लाइफ की कुछ वैल्यूज़ और एथिक्स से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सबका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे साथ भी होता था यार, ऐसा होता था कि कितनी बार बस साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद अगर आप सोचो कि आप रेगुलर पढ़ नहीं रहे हो तब आपकी क्या हालत होगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप डायग्राम के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एटलीस्ट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए, जो हमारी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। आप कोई भी चीज़, हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर आपको अपना वज़न कम करना है, अब आपको अगर अपना वज़न कम करना है तो आपने सोचा कि मैं 4 दिन रनिंग कर लूँगा और उसके बाद 400 दिन एकदम आराम से रह लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लाइफ में अगर रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तभी जाके आपका दिमाग और आपकी बॉडी भी उस चीज़ को सपोर्ट करेगी। तो अपना वज़न कम करने के लिए जाहिर सी बात है कि आप जैसे रनिंग स्टार्ट करें तो पहले आपने 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5, फिर 10, इस तरह से। उसी तरह पढ़ाई में भी है, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं फिर भी करनी पड़ेगी, ऑप्शन आपके पास है नहीं। अंग्रेज चले गए अपने सारे के सारे रूल छोड़कर चले गए, तो भाई रट्टा तो मारना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ों का, और काफ़ी सारी चीज़ों में अपने कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहली बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं। अब जैसे वज़न कम करना है, दौड़ना नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ज़बरदस्ती दौड़ना तो पड़ेगा यार। पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, पहले आप सिर्फ आधा किलोमीटर 2 मिनट ही दौड़िए। उसी तरह से आप पढ़ाई में अगर इसको आप अप्लाई करें तो आप छोटा सा टॉपिक लीजिए, पूरी बुक में यार कोई तो टॉपिक होगा ना जो तुम्हें अच्छा लगता होगा, वो लेके बैठ जाओ ना, 5 मिनट से शुरुआत करो। धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी, आपको अगर म्यूज़िक के साथ अच्छा लगता है तो म्यूज़िक चला लीजिए। मैं तो सीरियल देखते देखते, मूवी देखते देखते पढ़ लिया करती थी, आज भी पढ़ लेती हूँ, फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा है। तो आप इस तरह से काफ़ी सारे ट्रिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आपको करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए। अगर आप सोच लेंगे कि मुझे ये करना है तो कहीं ना कहीं इसमें आप अग्रसर होते रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात होती है आपके दिमाग के लिए, आपके दिल के लिए। तो प्लीज़ अपने, आपको ऐसा नहीं है कि फोर्स मत करिए, कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में फोर्स करते रहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को थोड़ा बहुत फोर्स करेंगे, टिल्ट करेंगे, लाइफ उतनी धीरे धीरे आप, क्योंकि उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, और फिर आपको वो चीज़ बहुत ही जब अडेप्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बहुत आसानी से किसी भी परिवेश में अडेप्ट हो जाता है। तो उस अडेप्टेशन का फ़ायदा उठा यार, उस क्वालिटी का, कि हम कहीं भी अडेप्ट हो सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और रेगुलर बने रहिए। थैंक यू सो मच।